और लोगों का ये कहना है कि अगर पठानकोट में आके आपने चतुर्जी जी के छोले भटूरे नहीं खाए ना, तो जनाब आपने पठानकोट में कुछ खाया ही नहीं। इनके जो छोले हैं ये बहुत स्पेशल हैं, रावलपिंडी छोले इसको बोला जाता है। और पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर है जहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में इनके जो दादाजी थे चतुर्जी, वो दिल्ली आ गए, दिल्ली से फिर वो पठानकोट आ गए, और अब यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं चतुर्जी के स्पेशल छोले भटूरे खाने के लिए। आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आप पठानकोट में आए हैं तो चतुर्जी की इस दुकान पर जरूर आइएगा। जो एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जी आज हम आए हैं पठानकोट में चतुर छोले भटूरे वाले, 60 साल पुरानी दुकान है, फेमस है रावलपिंडी छोलों के लिए। आइए चखते हैं। फादर साहब रावलपिंडी से चने भटूरे का काम करते थे जी। रावलपिंडी से पठानकोट दिल्ली आए, दिल्ली से पठानकोट। सारी अलग ग्रेवी अलग की जाती है और मसाले मिक्स करके फिर तड़का लाया जाता है। ठीक है, तड़का ला के फिर तैयार किए जाते हैं। मौसम सर बहुत अच्छा है, तरीका है और जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेटर है जी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि छोलों को देखते ही लग रहा था कि रावलपिंडी छोले बहुत खास हैं। और कीमत की बात करूं तो 30 रुपए में आपको छोलों के साथ चटनी दी जाती है और 3 भटूरे दिए जाते हैं बड़े से तवे के ऊपर सेक कर। छोले खास हैं जी, ये देखिए क्या बात है। ये जो रावलपिंडी छोले हैं ये कोयले की धीमी आंच के ऊपर बनाए जाते हैं, ये देखिए क्या आप ये चेक कीजिए, इनके जो छोले हैं वो बहुत बढ़िया हैं, ये चेक करो आप, बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात है कि दम से ड्राई रहते हैं, दोबारा से जो इसको तरी बोला जाता है वो दी जाती है। एक बड़ी सी बाइट लगाते हैं, ये देखिए जनाब तो बहुत बहुत सही इसका टेस्ट है। ऊपर से जो अदरक के पीसेस डाले गए, जो चटनी डाली गई, आलू डाला गया, अमेजिंग है यार, अमेजिंग। मैं अमृतसर से आया हूँ, अमृतसर में आपको हर गली मोहल्ले में कुलचे छोले मिल जाएंगे, मट्टी छोले मिल जाएंगे। ये ऐसे छोले हैं जो वाकई आपको अमृतसर में भी नहीं मिलेंगे। रावलपिंडी स्टाइल इसको छोले बोला जाता है। बनाने का तरीका एकदम से डिफरेंट है। भैया ने बताया कि 4 से 6 घंटे इसको बनाने में लग जाते हैं, शायद यही कारण रहता है कि ज़्यादातर दुकानदार इसको नहीं बनाते। जो एड्रेस है वो है, इसको शायद शिमला पहाड़ी करके इलाके को बोला जाता है। बस स्टैंड से 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में आपको ऑटो यहाँ पर ले आएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पठानकोट में चतुर्जी की दुकान पर, लाजवाब छोले भटूरे मिलते हैं। पठानकोट में आए तो जायका जरूर चखिएगा। अभी पठानकोट में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने वाला, आपकी रिकमेंडेशंस आ रही है, मेरी कोशिश रहेगी उन सभी जायकों को आप तक लेके आऊँ। ये चलते हैं, नई एपिसोड ढूंढते हैं। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच।